दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल खेतीबाड़ी ज्ञान में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पशुओं के खून के साथ पेशाब आने के बारे में। पशुपालकों की एक सामान्य समस्या है, साल में एक दो बार पशु में दिक्कत आ ही जाती है और कई बार पशु बहुत ज़्यादा खून निकलने से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और उसके मरने के चांस भी बन जाते हैं। अगर हम ज़्यादा दिन तक ध्यान ना दें तो ये समस्या ज़्यादा भयंकर हो सकती है। अगर खून एक या दो दिन से ही आ रहा है, अभी शुरू ही हुआ है, तो आपको इसके लिए केर की लक्कड़ लेनी है, इसे करीर बोलते हैं, और उसे कोयला बना लेना है, उसका जला के उसे पीस लेना है और बाद में उसे एक एक चम्मच सुबह शाम 1 लीटर दूध के साथ देना है। 2-3 दिन ऐसा करने से पशु का जो खून है वो रुक जाएगा, खून नहीं आएगा पेशाब के साथ में। इसके अलावा अगर पशु के पेशाब में खून ज़्यादा आ रहा है, यानी कि आपने 4-5 दिन तक किसी कारणवश ध्यान नहीं दिया पशु पे और खून ज़्यादा बह गया, तो आपको दोस्तों घबराना नहीं है। और इसका लक्षण एक और होगा कि पशु बार बार गोबर करेगा और पेशाब भी बार बार करेगा और गोबर हल्का हल्का करेगा। तो आपको दोस्तों इसके उपचार के लिए केले का तना लेना है, इस केले का गुल्ला बोलते हैं, उसको क्या है आपको काटना है और उसका रस निकालना है। और रस निकालने का कार्य है वो आप गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन से भी कर सकते हैं, बड़ी आसानी से हो जाएगा। और या फिर आप उसको पीट कर उसे कपड़े में निचोड़ के उसका रस निकाल सकते हैं। और आपको 1 लीटर रस है वो एक टाइम देना है। अगर आप इसे सुबह शाम पशु को दोगे तो 2 दिनों के अंदर पशु के पेशाब से खून आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। और एक विशेष बात और है दोस्तों, अगर पशु का पेशाब हर रंग का आने लग जाए तो घबराना नहीं आपको, ये केले के पानी की वजह से ऐसा हो जाता है कई बार, ज़्यादा पानी दे दें अगर केले का, और इससे क्या है पशु बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान।